9 नवंबर 1969। देखो हम जनवरी से नवंबर में आ गए हैं, ठीक है। 9/2/11 होने का समय आ गया संसार से, ठीक है। इस संसार से 9/2/11 होने का समय आ गया है, इसलिए तैयार सभी। ये बाबा की जो मुरली हमारे है मीठे मुरली, बच्चे हैं ना, इसलिए आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा एक-एक दीपक को एक समय की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों कालों की? बाप तो त्रिकालदर्शी हैं, वह दादा भी त्रिकालदर्शी हैं ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने पूछा, क्या दादा भी त्रिकालदर्शी हैं? आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो? अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते हुए जानते हो? जानते हो कि मैं क्या बनूंगा? पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में? लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में? मतलब बाबा ने कहा, भाई जानते हो, सब अपना सोचते हो कि नहीं? तो हर एक ने अपना विचार बताया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, पूरी जन्मपत्री एक-एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है और भविष्य में क्या बनने वाला है। तो एक-एक दीप में ये तीनों काल देखते हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो कि पहले क्या थे, अब क्या है। तो बाबा ने कहा, दो तो आप भी जानते हो, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान पाएंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है वर्तमान, अभी हर एक को पता है मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, हाँ क्या जॉब है, कितना स्पष्ट है। वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं है, ना मालूम क्या है, यह भी संकल्प नहीं उठेगा। इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबर वार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को स्पष्ट था अपना भविष्य। तो नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट, काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, और संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे यह होना ही है। मतलब शुरुआत में ऐसा लगता होगा किसी किसी को भी, हाँ शायद ऐसा, शायद वैसा, लेकिन बाबा ने कहा कुछ समय बाद बिल्कुल एकदम निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे। अभी अगर आप कहेंगे कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को क्या करेगी, प्रसिद्ध करेगी। आपकी चलन, आपकी तदबीर, तदबीर मतलब आपकी जो मेहनत है वे आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, अभी मतलब कर रहे हैं कुछ लेकिन भविष्य कुछ और बता रहे हैं, फर्क है।
लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा, फिर कोई को भी संकल्प नहीं उठेगा। तो एक सेकंड, आप सभी ने दीपमाला मनाई, तो दिवाली भाई वहां पे उस समय मनाई सभी ने। दीपमाला पर क्या करते हैं, एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की यह है, सॉरी एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है, हाँ एक एक दीपक मतलब हर एक की एक के साथ लगन है, तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है, अग्नि, तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी। अगर लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं, तो हर एक ने बताया अपना अपना भाई दीपक कितने प्रकार के होते हैं। दीपक में क्या होता है, अग्नि होती है तो वो लगन से आती है, तो ये सारी बातें बाबा ने कही और हर एक ने अपना विचार सुनाया। अलग अलग प्रकार के दीपक होते हैं। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा क्या है, आत्मा का दीपक। तीसरा है, पता है तीसरा क्या है, कुल का दीपक, कुल दीपक बोलते हैं ना। चौथा कौन सा है, आशाओं का दीपक, अपने बेटे के लिए लोग बोलते हैं ना, अपने सन के लिए, हाँ कुल दीपक है हमारा, ये है वो है, हाँ राइट, इस प्रकार की बातें बोलते हैं ना, तो आशाओं का दीपक कहते हैं ना चौथा। तो बाप को बच्चों में आशा रहती है, तो चौथा है आशाओं का दीपक। ये चार प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन चार दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं, बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है वह दीपक जगाया, मतलब आशा का दीपक, आशा आपको पता है बाबा की क्या आशा है आपसे, वो दीपक जगाए आपने। मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं, आत्मा का दीपक जगा है। मुझे ध्यान एक बार हमारे सेंटर में बहादुरगढ़ में दिवाली का प्रोग्राम मनाया जा रहा था, और सभी लोग उस समय करते हैं ना दीपक जलाते हैं, एक एक दीपक जलाते हैं। तो एक बहन मतलब गृहस्थी थी, गृहस्थी है वो अभी भी है, और बहुत पक्की बाबा की बच्चों, उस समय मैं नई नई ज्ञान में आई थी और नई नई सेंटर पे सरेंडर हुई थी, और मैं देख रही हूँ कि वो अलग ही जैसे बैठी हुई है कुछ कर रही। मैंने कहा क्या आप दीपक जलाओ ना, कहती इससे क्या होने वाला है, अंदर का दीपक जगाना है मुझे, ये नहीं जलाऊंगी मैं। उसने नहीं जगाया पता है, कहती नहीं मुझे आत्मा का दीपक जगाना, ये तो जगाए जन्म जन्मांतर। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमें नहीं जगाना, बट एक प्रेरणा की बात है कि भाई किस प्रकार से ये पुरुषार्थ असल में यही है। तो बाबा ने कहा कि मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं, आत्मा का दीपक जगा है। ये चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपमाला मनाई। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, ऐसे कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते हैं वे बुझ जाए। देखो बाबा बार बार में कह रहे हैं, देखो ऐसा कोई कर्म ना जो कुल का दीपक ही बुझ जाए, जो बाबा की आशाओं का दीपक जो आप में है वो बुझा मत दो। एक रस और अचल अडोल, यह सभी दीपक जग रहे हैं। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बिगर रह नहीं सकता, जगाएगा ही सबका। दीदी, बाप दादा की बच्चों में कुल का दीपक और आशाओं का दीपक में क्या डिफरेंस है, करेंगे भी जरा ना एक बार पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आशाओं का दीपक, कुल का दीपक आपको लगता है एक चीजें हैं? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नहीं 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 आशा तो वही है ना कि बाबा की आशाएं हैं आप में, बाबा की आशा है आप सुबह अमृत वेला जल्दी उठो, बाबा का नाम आप रोशन करो,
कुल दीपक क्या होता है, किसी बच्चे के लिए बोला जाता है, ये बच्चा जो है मेरे कुल का दीपक है, मतलब ये मेरा नाम रोशन करेगा, या फिर मतलब ये मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, उस प्रकार से अलग है दो बातें। जैसे कि आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि ये मेरे कुल का दीपक है, लेकिन हम उनको आशाओं का दीपक इस प्रकार से नहीं बोलते हम। जैसे कि दुनिया में जो कहावतें हैं, दुनिया में जो बातें हैं, तो हम उनको हमेशा ही बोलते हैं कि ये हमारे कुल दीपक है, हमारे कुल का, जैसे हमारे जो फैमिली है उसके कुल दीपक है, इसलिए ही हमारे नाम को आगे बढ़ाने वाला है, बस उस वहां तक सीमित रह जाती है बात। लेकिन आशाओं का दीपक मतलब बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे हैं जो बाबा के हमें। आशाओं का दीपक मेहनत से जलता है, मेहनत ना। हाँ, मतलब कुल और दीपक बनने के लिए भाई नंबर एक तो आपको बस पैदा ही होना पड़ता है ना, कुल दीपक बन गया, लेकिन आशाओं का दीपक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो प्रेम जी का पॉइंट है, राइट। आशाओं का दीपक आपको, हाँ, पैदा हुए कुल दीपक बन गए भाई। कुल हाँ दीपक तो आशा का दीपक हो सकता है, मगर आशा का दीपक कुल दीपक नहीं हो सकता। हाँ सही वाला। हाँ लौकिक रितु जी, समझ रहे हो अभी आप? चटनी हो रही बढ़िया। हाँ और बोलो, का पूछ रहे हो क्या? अलौकिक का पूछ रहे दोनों बता दो। हाँ वही लौकिक और अलौकिक में ही कंफ्यूजन था एक्चुअली। लौकिक तो जो है वो चिराग को बोलते हैं, घर का चिराग है ये, मेरे जो है घर की बेल को या वंश को आगे बढ़ाएगा, वो कुल हाँ हाँ दीपक वही मतलब। ना, राइट। और यहाँ तो अलग है ना बाबा के, इसमें तो अलग ही किस्म है। तो जो हम बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कुल दीपक बने। और आशाएं जो हैं, आशाओं का दीपक मतलब मैंने जो आशा रखी उसका दीपक लौकिक में, और यहाँ अलौकिक में जो मेरी आशा या बाबा की जो आशाएं हैं। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल। ना। हाँ आशा है मतलब, ठीक है, ओके। चलो भी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बाबा ने कहा, हाँ मिट्टी के दीपक तो कई जलाए और ये सब बातें, कि बाबा ने कहा क्या ऐसा दीप, बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती है, मतलब जो बाबा के कुल दीपक हैं उनमें बाबा की आशाएं हैं, ठीक है। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रतन बने। विजयी रतन की निशानियां क्या होंगी, जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, सबने सुनाई होंगी निशानियां, इसलिए ठीक नॉर्मली ठीक जो सिस्टर्स होते हैं ना, वो इसका मिसयूज करती घरों में लौकिक। वो गलती किसी ने की होगी ना, बोलो किसने किया है? कुलदीपक ने किया, मतलब भाई का नाम ले। बिल्कुल। बिल्कुल इसलिए ठीक ही है, मतलब बाबा ने जो निशानियां पूछी तो बच्चों ने सुना दी, बाबा ने कहा तुमने सुनी है तभी सुना दी, तो भाई ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना, वैसे ही जो विजय रतन होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वे अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे, जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न विजय माला के किस नंबर में आते हैं, ऐसे विजय रतन एक सेकंड, विजय माला के किस नंबर में आते हैं? खुद तो विजयी बने हो लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं, यही सर्विस रही हुई है। ऐसे नहीं कि कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सके, वह
वही माला के मुख्य मणके हैं। मतलब औरों को जब तक नहीं बढ़ाया आगे तब तक संपूर्ण नहीं है जर्मनी वाले। जो विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना, तो विजय की निशानी है, विजयी कौन बनता है, निशानी क्या है, जो आप समान विजयी बनाए। अभी ये सर्विस रही हुई है, मतलब खुद खुद बन जाना वो इधर सिस्टम नहीं है, अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है। दीप माला में पूरी दीप माला जगी हुई होती है। जब दीप माला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हरेक के गले में डाली है, ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हरेक रत्न और गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। मतलब दीपकों की माला, मतलब जगे हुए दीपकों की माला गले में, थोड़े गले में सच में डाल के घूमेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा जब अवेयरनेस होगी जगे हुए दीपकों की, मतलब आत्मा का दीपक जगा हुआ होगा सदा, अवेयरनेस की वो रोशनी होगी तब विजय का नगाड़ा बजेगा। दिवाली पे भी ना एक ही दीपक की पूजा होती है और फिर उससे बाकी सारे दीपक जलाए जाते हैं। दूसरे से जलाते हो बड़ा उत्तर। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालना है। जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे उतनी वहां प्रजा बनेगी। मतलब औरों को आप समान बनाएंगे। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है। तो माला कौन सी पहननी है, बहुत बड़ी, ऐसी माला से अपने आप को श्रृंगार करना है। कितने दीपकों की माला अब तक डाली है, हाँ मतलब कितनों को आप अपने आप समान बनाया है, या हाँ गिनती कर सकते हो या अनगिनत है। दीपक तो अच्छे वही लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं, टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। तो भाई कौन से आप लोग, तेज या टिम टिमाते हुए? तेज है, तेज अला अला टोन जलते हुए, जलने वाले। ओके अच्छा, प्रेम जी का वीडियो बंद है, आज क्या चक्कर है? अच्छा आज आज जगह बदल रखी है। ओके जगह बदल गई। अच्छा तो क्या कहा कि टिमटिमाने वाले अच्छे नहीं लगते, वही बाबा ने कहा तेज चमकते हुए अच्छे लगते हैं। मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए, नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है पता है क्या मधुबन के फूलों की, मतलब मधुबन के बच्चों की, आपके बच्चों की, आप सभी बच्चों की, मतलब कहा पहली विशेषता है, बोलो भाई बोलो, मधुबन के फूलों की पहली विशेषता बोलो, खुशबूदार। खुशबूदार राइट, और नम्र, नम्र से, सर्विसेबल, गुलदस्ता में शोभा पाना। क्या पवन भाई? गुलदस्ता में शोभा पाना। राइट, शोभा पाना, पर शोभा कैसे होगी? देखो हार्मनी, तो नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं, राइट, मधुरता तो है ना ऐसी चीज। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता और वहां भी मर्तबा पाता। देखो भाई मधुरता की कितनी जबरदस्त उसकी वैल्यू है, हाँ, जो मधुरता को धारण करता है यहाँ भी महान, वहां भी मर्तबा। आज बाबा ने सुबह भी तो बोला है सक्रीन, सक्रीन बनो बाबा की तरह, मधु आ गया ना संगीत में, मधु, मधुबन में भी मधु है, मधुरता में भी मधु है। तो मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो ये मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही, ध्यान से सुनना भी, मधुरता से ही मधुसूदन का नाम वाला करेंगे। मधुसूदन कौन है? ब्रह्मा वाला।
कृष्ण, हाँ कृष्ण के लिए बोलते हैं ना, तो मतलब ब्रह्मा बाबा हो गए, शिव बाबा हो गए हम, तो मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। ये मधुबन नाम है, मधु अर्थात मधुरता, और बन में क्या विशेषता होती है, बन यू नो वन मतलब वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, राइट। तो बेहद की वैराग्य बुद्धि में चाहिए, फिर इसमें सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। देखो बाबा ने मधुबन को कैसे छंदी विच्छेद करके अच्छी तरह बता दिया आपको, मधु अर्थात मधुरता होनी चाहिए और बन अर्थात बन में जो जाता है वो वैराग्य वाला होता है। तो आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे, सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बने हैं, सभी के मुख से निकलेगा मधुबन तो मधुबन ही है, ये दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भले कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं, लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। जब छोड़ दिया भाई हमने, हाँ बाबा हमने देखो सब कुछ त्याग कर दिया, बाबा ने कहा बहुत बढ़िया किया, अब आगे बढ़ो, अब स्नेह भरो और शक्ति भी भरो। समझा किस विशेषता को भरना है, स्नेह और शक्ति अर्थात मधुरता और वैराग्य वृत्ति। कुमारियों को कमाल कर दिखानी है, कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हरेक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना, आज की मुरली तो कमाल की है, तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना देखो भाई ये बाबा ने सभी की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, ध्यान से बाबा ने कहा कि कुमारियों के हर कर्म कमाल वाले होने चाहिए, बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना बाबा कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। मतलब yes. आप आकर्षण मुहूर्त नहीं बन पाओगे ना, कोशिश ही कर रहे हैं अभी तक, कोशिश ही कर रहे हैं। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। मतलब आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन है, वो स्पिरिचुअल रूहानी अट्रैक्शन, कि कोशिश शब्द नहीं चलेगा, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, जो भी धारणाएं हैं वो करो, कशिश अपने आप आपके अंदर आएगी। अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेंगे, बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा ने कभी बोला कोशिश करेंगे बाबा, नहीं। कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, ऊपर वाला साथी, ठीक है। देखो कुमार भी जला कमाल कर लेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो बाबा ने अगली लाइन भी ऐसी ऐसी बोली, कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा, इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी, जो मेहनत ना साथी, बिल्कुल साक्षी थोड़ी, साक्षी तो अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए, जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है, यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। अभी का सॉरी सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है, जो जितनी मेहनत करते हैं उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती है,
कोई बात में मेहनत की याद आती है, बाबा भी क्यों याद आते हैं, मेहनत की है तब स्नेह है, मेहनत से स्नेही बनना है, जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। हम देख रहे ना, जितना जास्ती मेहनत दादियों ने की है, उन सबसे ज्यादा उन्होंने की है, सबसे जास्ती सर्व के स्नेही रही है। उन्होंने जो कुछ झेला, फेस किया, सहन किया, वो सब हमने थोड़ी किया। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है, जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नजर से देखेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। देखो भाई, मेहनत की जहां तक बात है, अभी हम देख रहे हैं आजकल फीवर चढ़ रहा है सबको, ओलंपिक फीवर और ये सब। जब उनकी अगर आप स्टोरी देखो तो हरेक ने 8-8, 9-9 घंटे दिन में ट्रेनिंग करते हैं, बस मेहनत, दिन भर मेहनत। कोई 8-9 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसको पता चल जाता है कि क्या होता है 8-9 घंटे एक्सरसाइज करना। और फिर उसके बाद, जैसे मैं कुछ सुन रही थी एक इंटरव्यू, उसमें बता रहे थे वो किस प्रकार से जो ये इनका जो पुलेला गोपीचंद जो है ना, एक बहुत बड़ा जो बैडमिंटन प्लेयर, तो उसका उसकी एकेडमी है, और उसमें उसने कहा जब ये साइना नेहवाल है ये सब आए, तो उसने कहा कि जैसे अभी हम जा रहे हैं एक ओलंपिक्स नहीं, कॉमनवेल्थ पर कौन सा गेम, अभी हमने हारा है वो, मतलब अभी अभी हार के हम निकले हैं बाहर। और मैंने साइना को बोला कल सुबह जिम में आ जाना, तो वो बोलते हैं ओहो अच्छा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा लेट करेंगे, 6:30 करेंगे कल। हाँ, मतलब आज ही हारे हैं ये, और होता है ना कि भैया थोड़ा रुक जाओ, हाँ रेस्ट कर लो ना। और वो भी कहते हैं, उसने भी जवाब में सांस तो ले लें दो, सांस तो ले लें दो, मतलब कम से कम। उसने भी कहा ठीक है थोड़ा लेट करेंगे, नहीं तो उसकी क्लास सुबह 4:30 होती थी, पता है हमारे से भी आगे चल रही है वो, अपनी तो 5:15 होती है, उसकी 4:30 होती थी। उसने कहा नहीं कल 6:30 करेंगे। तो यही है कि भाई, और उसके बाद भी कुछ एक तो एग्जाम्पल उसने ऐसे दिए कि हाँ, उसने कहा कि मैं जब बोलता था, देखो साइना ये जो है ये पता नहीं कौन सी कहा कि प्लेयर का नाम लिया, वो अच्छा खेलती है लेकिन तुम ना उससे भी अच्छा खेलती हो, तो कहते ये उसकी उसकी पागलपंती लगा लो या उसकी होशियारी लगा लो, जो भी मैं कहता था वो उसको मान लेती थी, अच्छा मैं अच्छा खेलती हूँ, ठीक है हाँ। तो उस चीज ने फिर उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। और कैसे, तो मेहनत के बिना तो भाई कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए कहा जो मेहनती है उसको सब स्नेह की नजर से देखेंगे, जो मेहनत नहीं करते उनको स्नेह से नहीं देखेंगे। हाँ, ये भी हमने देखा है ना कि जो लोग बस थोड़ा बहुत बस नाम नाम का कर लेंगे, नहीं नहीं ये काम के नहीं है, दूसरे से आप करो थोड़ा, हाँ मतलब ऑटोमेटिकली हम ऐसा नहीं कि स्नेह नहीं उनके हम नफरत करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसा एक परसेप्शन सा हो जाता है कि नहीं नहीं वो दूसरे करेंगे, ये नहीं करेंगे, दूसरे मेहनती हैं। स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं, स्नेह ही संपूर्ण बनाता है, तो स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। दोनों चीजें बाबा ने आज कही अच्छे तरीके से, दोनों का जब मिलन हो जाता है, किसका, स्नेह और शक्ति का, तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। तो इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे, समानता बाबा के समान, उतना समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे, यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था परखना है, सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। देखो ये बाबा ने बहुत क्लियरली बोल दिया, सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे, स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे।
क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं औरों को बनाने के, तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। एक सेकेंड, हाँ बस ओके। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? हाँ, सभी के दिलों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? सभी को संतुष्ट करना, बाप में यह विशेष गुण था, रमा बाबा वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो, एक है हद की लिस्ट, दूसरी बेहद की लिस्ट, ऑलराउंडर और एवर रेडी। समझा? मधुबन की लिस्ट मतलब भाई बस वहीं पे रहने वाले हैं, समझ गए? ऑलराउंडर मतलब भाई भेज दो जहां भी भेजना है, ऑलराउंडर एवर रेडी। इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है, एक सेकंड में तैयार, ऑलराउंडर एवर रेडी, ऑलराउंडर एवर रेडी। हाँ, इसके मैं आपको बताऊंगी आज स्टोरी। एक हद की लिस्ट, दूसरी बेहद की लिस्ट, ऑलराउंडर और एवर रेडी। इसी लिस्ट से मालूम है क्या करना होता है, एक सेकंड में तैयार। संकल्पों को भी एक सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। हाँ, ये संकल्प बिस्तरा भी बंद करना है, बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। अब पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे सदैव गुणग्राहक बनना है। स्तुति निंदा लाभ हानि जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अच्छा तो मैं बता रही थी संकल्पों का बिस्तरा की जो बात है, जैसे क्या है कि इसका फोन बज रहा है, जैसे क्या हुआ कि मेरा जो वीजा है यहाँ का, जो वीजा की जो अंतिम तिथि है वो है कल की तारीख, कल की डेट 12 तारीख मेरे वीजा के लास्ट डेट। मतलब मैं कई बार बढ़वा चुकी हूँ, खैर 3 बार मैंने एक्सटेंड करवाया है। एंड तो फिर आपने फिर से कोशिश की बढ़वाने की, इंडियन एम्बेसी से मुझे एक पेपर लेना होता है, ये सारी प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा आपकी बार नहीं, आप वैसे भी हमें 2 बार बढ़ाना अलाउड होता है, आपका 3 बार हम बढ़वा चुके हैं, अब नहीं होगा, अभी आपको जाना पड़ेगा। तो फिर उनके उनके अपने नियम होते हैं ना, क्योंकि वो क्योंकि टूरिस्ट वीजा है और टूरिस्ट वीजा में क्या होता है कि पहले तो एक्सटेंशन दे ही नहीं देते 1 महीने की भी, 1 महीने की, फिर उसके बाद तो मैंने 5 महीने की बढ़वा ली। मतलब मैंने भी अपनी जिद पे और जो भी आप कह सकते हो रुक रुक के हाँ 1 महीने का मतलब 6 महीने कर लिया, तो मतलब इससे भी और क्या करेंगे हम। खैर और क्या, जो झाड़ू तो आप हैं ही। तो हो गया। तो अब क्या हुआ कि फिर अभी कल क्या हुआ कि ऐसी असमंजस की अवस्था पैदा हो गई कि अब क्या करना है। मतलब अब मेरे पास यहाँ पे भी मैंने जो तैयारी कर रखी है, जब सब सामान हम ले आए हैं इंडियन दुकान पे जाके, यहाँ पे जो दुकान है मतलब यहाँ पे क्या मतलब बहुत दूर जाके है, वहां से हम ले आए अपना सामान सुमून सब कर दिया, ये कर लिया कि हाँ अगला 1 महीना तो रहना। अपने मन में तो हमने सोच रखा है ना कि यस अभी एक और एक्सटेंड करवाना है, सब कुछ तैयारी कर ली है। और फिर कल पता चला है नहीं, आपको नहीं रहना है, यही है ना कि जाना है। तो एकदम मेरे दिमाग में ओके जाना है, हाँ सब मैंने एकदम समेट लिया, खत्म 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 खत्म, निकलो निकलो निकलो, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर
दो तीन घंटे बाद पता चला नहीं रहना है रहना है रहना, ओके ओके रहना है रहना है ना, फट फट ऐसे एक एक मिनट में आनंद लो आनंद लो बिल्कुल। तो मैंने आसुर मैं किसी को बता रही थी, मैंने कहा ड्रामे का आनंद लो, एंजॉय द ड्रामा। समर्पित लाइफ का भी ये भी एक आनंद है, एक्स्ट्रा आनंद कि कोई इस प्रकार के में जिम्मेवारी नहीं है कि भाई ये इसको संभालना इसको देखना, ओके यहाँ टिक टिक निकलो निकलो, बाबा ने कहा बिस्तरा तैयार, एग्जैक्टली वैसी स्थिति, मतलब एकदम हर एक घंटे में स्थिति चेंज 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 चेंज, ओके चेंज ओके चेंज, पैक करो ऐसे ये सामान लेके जाना है, अगले दो घंटे बाद नहीं जाना, अच्छा रहना है ओके कुछ पैक नहीं करना, छोड़ो भाई इधर ही हाँ, एकदम मतलब फीलिंग्स का कहीं स्थान नहीं है हाँ कि भाई आपको जाने का मजा रही, जाएंगे जाएंगे रहेंगे रहेंगे ना ना, ना बराबर बराबर। फिर जैसे एक दो महीने जो दो तीन महीने पहले जब मैं पहली बार जब एक्सटेंड करवा रहे थे तो मुझे पता है क्योंकि मुझे जाना है उस डेट को, ओके जाना है जाना है। फिर उसके बाद हमने कहा चलो एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है ओके ठीक है, मतलब रहना है रहना है, एकदम चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है, अच्छा रहना है रहना है। फिर वहां जाके ऑफिसर ने कहा नहीं नहीं कुछ पासपोर्ट्स का हम एक्सटेंड नहीं करते हैं। मैंने कहा ओह अच्छा जाना है जाना है जाना है, ओके ओके जाना है। फिर उसने कहा आप ऊपर पुलिस को दिखाओ दिखाओ अपना पासपोर्ट, हम ऊपर गए 5 मिनट, उसने कहा नहीं नहीं आपका तो एक्सटेंड हो जाएगा। फिर मैंने कहा ओके ओके रहना है रहना है, ये ना ऐसा चल रहा था एकदम एक ऊपर एक... नीचे या मैंने देखा कि बिल्कुल भी ना मुझे एक अटैचमेंट की फीलिंग नहीं आ रही थी, नहीं 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 मुझे नहीं जाना भाई या मुझे जाना है भाई, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो मैं चेक कर रही थी खुद को कि मैंने कहा, बाद में मैंने देखा खुद को, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं लग रहा था, वैसे जाना तो जाना है, नहीं जाना नहीं जाना। तो बिस्तरा ऐसे तैयार रखना है, वावा का मतलब ये है कहने का। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला फिर ये तो बताओ। इधर ही हूँ ना, फाइनल सॉल्यूशन तो इधर ही हूँ। लो बच्चों को भी एक्सटेंड हो गई, चिंत नहीं हुआ, बच्चों को भी ऊपर नीचे हो रहा है बच्चों को जो सुन रहे हैं इनका भी ऊपर नीचे हो रहा है ना हाँ सही बोल रहे हो। नहीं नहीं मेरा तभी तो इधर ही है, लेट अस सी, हर दिन को हम एक एक दिन से ले रहे, देख रहे हैं कि जैसे जो होगा। अब आज हम गए थे कहीं पे इधर एक, एक दूसरे ऑफिस में वीजा के लिए, तो अभी दूसरा कुछ हम तिकड़म भिड़ाएंगे और कुछ करेंगे, लेट अस सी। ऐसी मूर्ति भाई का है रेगुलर उनका जो वहां रह रहे हैं? नहीं नहीं उनका नहीं है। अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ, वो काफी समय से वहां है तो उनका नहीं है। लेकिन खैर हमने पूरा जांच पड़ताल की है हमने कि बस जब जब उनका ये है कि उस समय वो अकेले रह गए थे ना यहाँ पर, कोई था नहीं इनके पास और वो लॉकडाउन हो गया और सब कुछ और ना भाषा जानता है इंसान, कुछ नहीं जानता है, तब उनका फिर वो गड़बड़े वो वाला गैप पड़ गया बहुत ज्यादा बीच में। तो बस वो निकलेंगे तो उस समय उनको फाइन दे के जाना होगा। अच्छा। भाषा भाषा का न जानना बहुत अच्छा होता है यूरोप दूसरे कंट्रियों में। अच्छा यस बोला आपने बहुत अच्छा रहता है, मैं तो रोज एक्सपीरियंस करती हूँ। फ्लाइट पर तो चढ़ा ही देंगे, आप कहाँ भेजेंगे, इंडिया भेजेंगे तो आसमान में तो भेज नहीं देंगे ज्यादा से ज्यादा। गाड़ी पे चढ़ाएंगे आपको, भाषा नहीं आता, फ्लाइट पे चढ़ाएंगे आपको भी, भेजेंगे कहाँ, इंडिया भेजेंगे ना। बिल्कुल 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 सीधा बहादुरगढ़ जाएंगे और क्या। हाँ मतलब मैं तो फिर बहादुरगढ़ जाऊंगी। मैं कौन बोल रहे थे, जैसे आज भी हमने स्वामी भाई बंद कर दो